नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं संजना चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल संजना का अंगना में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूं मैं आपके लिए। वो है वेजी ब्रेड पिज्जा, जिसमें मैंने सब्जियों का यूज किया है और ये बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही हेल्दी है बच्चों को खिलाने में, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं कि बाहर चलो इधर उधर, तो हम वहां ना ले जाकर अपने घर में ही बच्चों को इस तरह से बना के खिला सकते हैं। तो आइए चलते हैं बनाने के लिए। तो दोस्तों, वेजी ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए मैंने सामग्री इकट्ठा कर लिया है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने घी लिया है और ये केचप है, ये ओरिगैनो, ये खीरा लिया है, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च जो मैंने बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, ये पनीर है और ये प्रोसेस चीज है जो दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है, और चार स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए हैं। तो दोस्तों, जो वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी हैं छोटे छोटे पीसेस में, उनको हम एक बाउल में एक साथ मिला लेंगे। ये प्याज मिला लेंगे हम और ये खीरा। जितनी भी हम इसमें सब्जियां डालेंगे उतना ही ये हेल्दी होगा, क्योंकि बच्चे वैसे सब्जियां तो खाते नहीं हैं, तरह तरह की आनाकानी करते हैं, नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, लेकिन ये एक ऐसा स्रोत है जिसमें बच्चे खा सकते हैं। यानी कि पिज्जा का नाम सुनते ही बच्चे थोड़ा एक्साइटिंग हो जाते हैं कि अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। थोड़ा ही डालना है, क्योंकि जो हम चीज है हमारी उसमें भी होता है। और ये मैं थोड़ा सा ओरिगैनो डाल दूंगी इसमें और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। जो पनीर हमने ग्रेट करके रखा था उसको भी हम इसी में मिला लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम जो ब्रेड स्लाइस है हमारी, उस पर हम केचप को अच्छे से लगा लेंगे। हमने केचप ही लिया है क्योंकि मैंने वैसी सॉस नहीं बनाई है। ये देखिए, अच्छे से हमने लगा लिया है और जितने अच्छे से हम लगाएंगे उतना ही इसमें इसका टेस्ट आएगा। देखिए, मैंने ब्रेड पे केचप लगा लिया है अच्छे से, और जो मैंने वेजीज काट के अच्छे से मिक्स करके रखी हुई थी, अब हम इसको भी थोड़ा थोड़ा इस पे डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम रख देंगे। ये देखिए, मैंने चारों ब्रेड स्लाइस पे वेजीज अच्छे से लगा ली हैं, और जो मैंने ग्रेट करके प्रोसेस चीज रखी थी उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से। चीज का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं।
अब हम ओरिगेनो से इसकी टॉपिंग करेंगे, जिसमें इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत ही अलग आती है, जो दिल को एकदम छू जाती है। ये देखिए, बिना उसके इतनी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया है और अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। ये देखिए, हमारा तवा गर्म हो चुका है और अब मैं इस पे घी लगा दूंगी। मैंने घी लगा दिया है और अब हम इसको ब्रेड को इस पे रख देंगे। देखिए, मैंने रख दिया है। ये देखिए, मैंने रख दिया है और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। और गैस को सिम कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हमारे पिज्जा को, तो हम उघाड़ के देखेंगे अभी। वाओ, ये देखिए, हमारे ब्रेड पिज्जा बनके तैयार हो चुके हैं और इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। दोस्तों, मन कर रहा है पहले गर्मा गर्म खा ले, लेकिन अभी मुंह जल जाएगा। अब मैं इसको उतार लूंगी। हो, तो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में कितने अच्छे होंगे। वाओ, ये देखिए, मैं दूसरा भी रख देती हूँ फटाफट फटाफट से। और मैं अब इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारे ब्रेड पिज्जा बनके तैयार हो चुके हैं और अब मैं इनको काटूंगी। और अगर आपको चीज ज्यादा अच्छी लगती है तो आप एक जो हमने केचप लगाया था उसके ऊपर भी एक स्लाइस लगा सकते हैं चीज की, जो मैंने इसमें लगाया है। ये देखिए आप, और मैं अभी इसको ही काटूंगी। कट कर लेंगे हम, काफी क्रंची बने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा ब्रेड पिज्जा बनके तैयार जो हो चुका है, और इसको हम सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा साधन है अपने बच्चों को वेजीज खिलाने का, और आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को जरूर खिलाइएगा बना के, ताकि वो बाहर की चीज ना मांगे, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं कि बाहर का पिज्जा खाना है, ये करना है, वो करना है। तो हम घर में ही बनाकर अपने बच्चों को बहका सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? जब आप बनाएंगे तो उसका टेस्ट कैसा लगा आपको, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी मत भूलना। दोस्तों, जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर से याद करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।